मेरा नाम है शिवम पांडे और इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत है आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज द शेड्यूल ऑफ एरिया स्टैटिस्टिक्स एंड द चैनल डायमेंशनस एंड देन वील ऑल्सो डिस्कस अबाउट द गैरेट्स डायग्राम जो कि कैनिडीज थ्योरी के ऊपर बेस्ड है उसके पहले हम जो लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द कैनल दट विल बी डिस्कसिंग इट फर्स्ट जो भी उसका रिमेनिंग टॉपिक था एंड देन वील मूव ऑन टू दिस टॉपिक ऑफ शेड्यूल ऑफ एरिया स्टैटिस्टिक्स नो यू ऑलरेडी सीन कि क्रॉस सेक्शन किस तरीके से दिखता है और इसके बाद ही हमने डिस्कशन किया था कि लॉन्गट्यूडल सेक्शन क्या होता है ओके okay? तो यहाँ पे हमने इन सब चीज़ों की बात करी थी फ्रॉम दिस डेटम पार्ट बेड स्लोप डेप्थ कितना होगा बेडविथ कितना होगा एंड सो ऑन ओके वी ऑल्सो कि परमानेंट लैंडविथ आपको कहाँ दिखती है यू कैन सी इट इन दिस हेयर इन द क्रॉस सेक्शन दो प्रकार के सेक्शन होते हैं एक होता है क्रॉस सेक्शन एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन तो यहाँ हमने बात करी थी विलेज की हमने बात करी थी आउटलेट की एंड देन वी टॉक अबाउट द फिलिंग एंड डिगिंग पार्ट ओके ये हमें आज यहाँ पे डिस्कस करना है फिलिंग एंड द डिगिंग ओके दिस इज द आर ऑफ द प्रपोज बेड एंड आर ऑफ़ द ग्राउंड ओके एंड दिस इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर जो कि आप लेंथ के लॉन्ग जैसे जैसे जाएंगे उसके हिसाब से आप मार्क करते जाएंगे ओके सो दैट इज द पार्ट अब हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है फिलिंग और डिगिंग की लेट अस नो सी इट हेयर इन द सेक्शन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि आप इस घर की तरफ दिस इज द फुल सप्लाई लेंथ ऑफ फुल सप्लाई डेप्थ हेयर और यहाँ पे पानी इस तरीके से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है नो इज अ स्ट्रेच ऑफ विलेजेस दैट इज विलेज वन विलेज टू विलेज थ्री विलेज फोर फाइव एंड देन सिक्स एंड सेवन एंड सो ऑन इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा यहाँ पे यदि आप आउटलेट को देखें तो आउटलेट लेफ्ट या राइट साइड कहीं पे भी निकल सकता है ओके ये जो भी पानी की सप्लाई जा रही है इस मेन कैनाल में उससे आप आउटलेट कहीं पे भी निकाल सकते हैं तो यूजुअली हम पहली बार तो हमने यहाँ पे दोनों साइड पे दे रखा है देन वी विल बी गिविंग इट एज पर द रिक्वायरमेंट जहाँ जहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टैगर्ड आउटलेट है ओके दीज आर द स्टैगर्ड वंस स्टैगर्ड मतलब क्या हुआ एक साथ नहीं है बल्कि एक कुछ डिस्टेंसेज पे हैं और अपोजिट एंड्स भी कुछ अलग अलग डिस्टेंसेज पे हैं ओके okay? अच्छा अब हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ या तो डिगिंग करी गई होगी या तो फिलिंग करी गई होगी क्योंकि क्या होता है कि कैनाल को या तो फिर वो ग्राउंड लेवल पर रहे तो तो अलग बात है बट यदि वहाँ पर उतना अवेलेबल लैंड नहीं है तो आप क्या करेंगे वहाँ पर डिगिंग करते हैं ओके वेन यू डिग इट हेयर तो यू हैव टू शो कि आपने कितना डेप्थ आपने डिग किया है वहाँ पे, सो दैट द वाटर कैन फ्लो इनसाइड फिर यहाँ पे कहीं पोर्शन पे किसी पोर्शन पर क्या होता है फिलिंग करी जाती है ओके okay? ज़्यादा ही लेवल लो है तो वहाँ आप पे आपने फिलिंग कर दी ओके सो डैट इज़ टू बी गिवन तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है इन दिस डिगिंग पार्ट सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं हर जगह पर डिगिंग करी गई है कहीं और पे फिलिंग नहीं करी गई है तो डिपेंड करता है कि आपने डिगिंग करी है कि फिलिंग करी है और उसी के हिसाब से आप जितनी भी डे तक करी गई है उसको आप यहाँ पर मैंशन कर देंगे इन मीटर्स ओके और इन अदर डायमेंशनस what is the rl of the ground it is 157.20 here then 157.26 and so on you have to write it down okay? and rl of the proposed bed is this 156.51 okay? so you can see it here the difference here is what this part 0 0.69 okay? when you when from this 157.20 you subtract this 156.51 you will be getting what this 0.69 meter this is the recirculation of arbitrary value लेट्स से दिस वन एयर 155.83 एंड दिस इज 155.06 फिफ्टी एंड यू अपट्रैक्टेड हेयर यू विल फाइंड इट आउट कि इतना डिगिंग करी गई है ओके तो ग्राउंड का लेवल तो कुछ और था ऑलेट ग्राउंड का लेवल तो कुछ और था पर आपने डिगिंग जब करी तो डिग करके क्या हो गया ये और नीचे आ गया कितना डिगिंग करी यहाँ पे दिस वन प्ज पॉइंट मीटर सो द प्रपोज बेड इज एट अ लेवल ऑफ वन तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि यदि ग्राउंड लेवल ग्राउंड लेवल यहाँ पे था ओके दिस वाज़ द ग्राउंड लेवल तो ग्राउंड लेवल का जो डेटम है और मैं कहूँ कि रिड्यूस लेवल है डेट इज लेट से दिस वन 155.83। बट आपने क्या किया इसमें डिगिंग करी डिगिंग करी तो यहाँ से मिट्टी तो आपने निकाल दी ओके दिस स्ट्रेच यू हैव द डिगिंग पार्ट और आपने कितना डिगिंग करी पॉइंट सेवन सेवन मीटर की डिगिंग करी तो जो भी बेड लेवल होगा इसका जो आर होगा बेड लेवल का आर ऑफ़ द बेड लेवल इट विल बी वॉट इट विल बी वन माइनस पॉइंट सेवन सेवन दिस कम्स आउट टू बी वन फिफ्टी फाइव पॉइंट ज़ीरो सिक्स तो इस तरीके से आप इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल बी गेटिंग दिस वन अच्छा यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू वन है और यहाँ पे क्या है वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट थ्री एट तो यहाँ पे फिलिंग करी गई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट वन सेवन है सो यू हैव टू ऐड प्लस पॉइंट वन सेवन एयर तो आपको ये वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट थ्री एट मिल जाएगा तो यदि डिगिंग हुई होगी या फिलिंग हुई होगी तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वैल्यूज़ को देख सकते हैं सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एयर और हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में सभी प्रकार से देख लिया कि क्या क्या आपको मैंशन करना पड़ेगा किसी भी मैप uh, में नाउ वी वील टॉक अबाउट दिस अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज द शेड्यूल ऑफ एरिया स्टैटिस्टिक्स एंड द चैनल डायमेंशंस तो शेड्यूल ऑफ एरिया स्टैटिस्टिक्स तो हम बात करें एरिया की पहली चीज तो और दूसरा चैनल डायमेंशन क्या है चैनल डायमेंशन मतलब क्या हुआ कि बेडवेथ कितनी है ओके वाटर डेप्थ कितनी है एंड सो ऑन वील बी सींगट विद देल्प ऑफ अ टेबल बिकॉज हम यहाँ पर टेबल फॉर्म करेंगे और उसके उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं उसको हम एक एक करके सेपरेट आउट करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट कि वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रिपेयरिंग दिस शेड्यूल ऑफ एरिया स्टेटिस्टिक्स तो डिजाइन ऑफ द चैनल क्रॉस सेक्शन फ्रॉम द किलोमीटर टू किलोमीटर इज कैरिड आउट इन अ टेबुलर फॉर्म कॉल्ड द शेड्यूलिया स्टैटिस्टिक्स एंड द चैनल डायमेंशन तो दिस इज दर टर्म हेयर डेट विल भी डिस्कसिंग अबाउट तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जो चैनल है दिस टेबल है तो यहाँ पर जो पहला कॉलम है दट इज द बिलो किलोमीटर ओके तो दिस इज द फर्स्ट वन है अब आप यहां पे ध्यान से देखिएगा टिल दिस पोर्शन टिल दिस इलेवेंथ पोर्शन वन से लेके एलेवेंथ तक जो कॉलम्स हैं उसको आप पहले समझिएगा उसके बाद आप जो कॉलम्स हैं वो ये हैं ट्वेल्थ से लेके नाइनटीन तक ओके okay? उसमें भी मैं अगर कहूँ तो ट्वेल्थ से लेके सेवनटीन तक जो कॉलम है टिल दिस पॉइंट ये आपके चैनल डायमेंशन के हैं यू कैन सी इट है दिस इज द चैनल डायमेंशन उसके बाद दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड दिस इट इज़ वॉट वी अपॉन वी नॉट रेशियो ओके तो ये आपके पास कॉलम नंबर वन से लेके इलेवन तक आप देखिए देन उसके बाद आप 12 से लेके 17 तक देखिए एंड देन एटीन और नाइनटीन को देखिए तो इस तरीके से हम इसको ब्रेकअप करेंगे तो आपको समझने के लिए थोड़ी सी आसानी होगी सो नॉल इट इज डिस्कस इट वन बाय वन और आप आप हम अब हम इसे ब्रेकअप करके एक एक करके देखते हैं कि क्या है कैसे कैसे हम इसको यूज़ करते हैं और हमें इसमें डेटा कहाँ से मिलेगा उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे तो कॉलम नंबर वन से एलेवन की बात करते हैं तो फर्स्ट इज द बिलो किलोमीटर यानी कि जो भी अगर आप लॉन्ग टूटिंग सेक्शन में देखते हैं कुछ इस तरीके का डायग्राम आपने देखा था जो हमने आज टॉपिक uh, स्टार्ट किया था एट द वाटर इज फ्लोइंग लाइक दिस और यहाँ पे दिस इज़ द फुल सप्लाई लेवल ऑफ द कैनाल ओके तो पानी कुछ इस तरीके से फ्लो यहाँ पे करता है दिस इज द बेड ऑफ द कैनाल तो पानी यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा दिस इज द जी सी ए दट इज द्रॉस कमांडेड एरिया और सेकेंड पॉइंट है दट इज द सी सी एट इज द कल्चरेबल कमांडेड एरिया ये दोनों ही टर्म आपने कहाँ पर देखे थे ये दोनों ही टर्म आपने जब हमने इरीगेशन का टॉपिक पढ़ा था इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड यूनिट वहाँ पर आपने ये चीज़ें समझी थी वहाँ पर देखा था ना थर्ड इज दिस पॉइंट है डट इज़ एरिया टू भी इरीगेटेड ना इट डिपेंड्स अपॉन किराबी क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप है कि पूरे साल भर वाली क्रॉप है यानी कि पेरीय पेरिनियल क्रॉप है जैसा कि आप जानते हैं कि शुगर केन है ओके एग्जाम्पल के रूप में शुगर केन तो किस तरीके का क्रॉप है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा न नेक्स्ट पॉइंट इज आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था इन वैन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इरीगेशन पार्ट सेकेंड इज द आउटलेट डिस्चार्ज कितना आउटलेट डिस्चार्ज होगा है ना हर आउटलेट से कितना कितना डिस्चार्ज निकल के फील्ड में पहुंच रहा है उसके बारे में यहाँ पर डिस्चार्ज में बात होती है आउटलेट डिस्चार्ज में अब आउटलेट डिस्चार्ज तो कर दिया लेट से पाँच मीटर के ऊपर सेकंड जा रहा है द थिंग इज कुछ ना कुछ तो लॉसेज भी होंगे जब एक जगह से पानी दूसरी जगह पे जाएगा तो कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे उस लॉसेस को भी आपको अकाउंट करना पड़ेगा इस पार्ट में दैट इज द लॉसेस इन द आउटरीच एंड कंबाइनिंग अदर लॉसेस आल्सो व्हिच कैन अकर इन एन इरिगेशन फील्ड यू हैव टू टेक इन अकाउंट दैट इज द टोटल लॉसेस नाउ यू हैव रिसीव्ड ऑल द डेटा फॉर फॉर दिस वन

एक्चुअल डिजाइन ऑफ कॉलम इज कैरेक्ट फ्राम किलोमीटर टू किलोमीटर जो मैंने आपसे बात करी थी जब मैंने एक्सप्लेन किया था जो टॉपिक था दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द कैनल सेकेंड इज द जी सी एंड थर्ड इज द सी सी एके ग्रॉस कमांडेड एरिया कितना आप एरिया बेसिकली कल्टिवेट कर सकते हैं थर्ड इज द कल्चरेबल कमांडेड एरिया मतलब कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना एरिया कवर्ड है कितने में कल्चर कितने में एग्रीकल्चर हो रहा है दैट इज द सी सी ए कॉलम नंबर फोर टू सिक्स ये हमने किसकी बात करी थी कि क्रॉप किस प्रकार की है ओके okay? राबी कितनी राबी कितने परसेंट एरिया में ग्रो किया गया है ओके okay? खारिफ कितने परसेंट एरिया में ग्रो किया गया है एंड सो ऑन कॉलम नंबर सेवन इंडिकेट्स द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर फॉर द कंट्रोलिंग क्रॉप कंट्रोलिंग क्रॉप मतलब क्या हुआ उस समय की कौन सी क्रॉप है ओके okay? अब डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप ज़्यादा पानी ले रही है ओके okay? जो भी पानी ज़्यादा ले रही होगी दैट विल बी द कंट्रोलिंग क्रॉप क्योंकि यदि आप इनकेस शुगर केन लगाते हैं या मैं कहता हूँ राइस पैडी कल्टिवेशन करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा डायट विल बी द कंट्रोलिंग क्रॉप बिकॉज विल इज डैट इज़ अ वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप तो जो कंट्रोलिंग क्रॉप है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर कितना होगा नेक्स्ट इज द कॉलम नंबर एट डेट इज़ द आउटलेट डिस्चार्ज रिक्वायर्ड ये कैसे निकालेंगे इट डिपेंड्स अपॉन द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर एंड द एरिया टू बी रिगेटेड तो एरिया को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर से सो कैन ईजिली फाइंड आउट द आउटलेट डिस्चार्ज सो कॉलम नंबर वन से लेके एट तक तो यहाँ बात हो गई अब हम बात करते हैं लॉसेज की ओके कॉलम नंबर नाइन इट इंडिकेट्स द लॉसेज इन द रीच फ्रॉम किलोमीटर टू किलोमीटर अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप लॉसेज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अब रिप्रेजेंट करने के लिए इसको आप ये लिखते हैं इट इस पर मिलियन मीटर स्क्वायर ऑफ वेटेड एरिया इस टर्म में आप इसको डिस्कस करते हैं जैसे कि अगर मैं कहूँ तो फोर्स को आप न्यूटन में बात करते हैं तो यहाँ पे लॉस loss, लॉसेज को आप किस में बात करेंगे कि इतने वेटेड एरिया में कितने मिलियन का लॉस हो रहा है ओके एंड द चैनल लॉसेस इन डिफरेंट रीचेज हैव टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिजाइन तो अलग अलग क्योंकि क्या होगा कि अगर आपका चैनल जा रहा है तो इट विल हैविंग डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट्स तो हर आउटलेट का आपको अलग अलग देखना पड़ेगा कि कितना कितना वहाँ पे लॉस हो रहा है कॉलम नंबर टेन हेयर इट इंडिकेट्स द टोटल लॉसेज इन द चैनल बिलो द पर्टिकुलर किलोमीटर एंड कॉलम नंबर इलेवन हेयर इट इंडिकेट्स द टोटल डिस्चार्ज फॉर विच द चैनल इज टू बी डिज़ाइन अब यदि आप किसी भी चैनल का डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप ऐसा तो है नहीं कि यू विल भी डिजाइनिंग इट फॉर द वॉट आउटलेट डिस्चार्ज ओके जो कि ये आप मैंशन है आउटलेट डिस्चार्ज आपको क्या करना पड़ेगा इसी में साथ में टोटल लॉसेज को भी इंकॉर्परेट करना पड़ेगा तो जो कॉलम नंबर इलेवन है उसमें आपको आउटलेट डिस्चार्ज और टोटल लॉसेज दोनों को एड ऑन करना पड़ेगा एंड देन यू विल बी इजली फाइंडिंग आउट कि यहाँ पे कितना डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है ठीक okay. है तो यहाँ पे एक जगह बात हो गई कॉलम नंबर वन से लेके इलेवन तक अब हम बात करेंगे कॉलम नंबर ट्वेल्व से लेके नाइनटीन तक उसमें भी मैंने आपसे क्या कहा कि भाई आप एक काम करो बारह से लेके सत्रह तक एक बार डिस्कस करते हैं फिर हम अट्ठारह और उन्नीस को डिस्कस कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा जो चैनल डाइमेंशंस, है इज़ व्हाट कॉलम नंबर ट्वेल्व टू कॉलम नंबर seventeen। चैनल डाइमेंशन का हमने डिस्कशन कहाँ पे किया था अभी हमने कुछ देर पहले जो हमने लॉन्गिट्यूडिंग uh, सेक्शन पढ़ा था उसके जो पिछला भी टॉपिक था आई थिंक लास्ट क्लास का टॉपिक था उसमें हमने डिस्कशन किया था अबाउट दिस बेड स्लोप बेड विथ वाटर डेप्थ डिज़ाइन डिस्चार्ज हाइट ऑफ बैंक एंड विथ टो दैंक तो हाइट ऑफ बैंक ऑफ विट टो बैंक तो अलग अलग uh, रेगुलेशन से मैंशन है उसको हम आगे डिस्कशन करेंगे जब हम क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल देखेंगे बट बेड स्लोप हुआ ओके बेड विर्थ हो गया वाटर डेप्थ हो गया ये सब कहाँ पर डिस्कशन किया था हमने डिस्कस किया था वेन वी आर डिस्कसिंग द लेसीज थ्योरी एंड ऑल्सो दिडीज थ्योरी तो ये हमारे यहाँ से मिलेंगे हमें ओके सो इट इज इन सेंटीमीटर पर किलोमीटर इट इज इन मीटर्स इट इज़ इन मीटर्स एंड द डिज़ाइन डिस्चार्ज इन क्यूमिक

लेसीज डायग्राम तो आपके जो सिलेबस में है डेट इज द कैनेडीज थ्योरी यूजिंग द गैरट डायग्राम तो हम इस चीज का डिस्कशन इस टॉपिक के बाद करेंगे दैट इज द यूजिंग द गैर डायग्राम हाउ यू कैन फिल अप दिस चैनल डायवेंशन इन दिस शेड्यूल ऑफ एरिया स्टैटिस्टिक्स कॉलम नंबर 18 इंडिकेट्स द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो दैट इज वी एंड दिस कॉलम नंबर 19 इट इंडिकेट्स द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो दैट इज वी अपॉन वी नॉट सो दीज आर कॉलम डेट आर फ्राम कॉलम नंबर वन टू कॉलम नंबर नाइनटीन अब हम बात करते हैं गैरेट्स डायग्राम की गैरेट्स डायग्राम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे यूज़ होगा जब हम बात करेंगे कैनेडीज थ्योरी की ओके लेसीज़ थ्योरी के लिए लेसी साहब ने खुद के डायग्राम दिए थे दैट वाज द लेसीज डायग्राम अच्छा ये कैनेडीज थ्योरी में ये अलग से डायग्राम क्यों क्योंकि जब उन्होंने रिसर्च करी तो उन्होंने पाया कि हाँ कुछ अगर हम वैल्यूज से हेर फेर करते हैं तो कुछ अदर वैल्यूज़ हमें मिलेंगे तो उसी के आधार पर उन्होंने अपने डायग्राम्स प्रिपेयर किए और उसी का आप इस्तेमाल करके आज की डेट में यू कैन ईजली फाइंड आउट द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ एंड यू कैन ईजिली डिज़ाइन द चैनल तो चैनल का डिज़ाइन आप या तो ट्रायल एंड एरर मेथड से करिए जो कि कैनेडी साहब ने बताया था या फिर यू कैन यूज़ दिस मैथड टू डिज़ाइन द चैनल सो लेट अस सी द फर्स्ट पॉइंट हेयर डेट इट इज़ द ग्राफिकल मैथड फॉर डिजाइनिंग द चैनल बेस्ड ऑन द कैनेडीज थ्योरी

तो एप्सा अगर मैं कहूँ तो ये देखिए लेट इज नॉट टॉक अबाउट अगर मैं इसको एक्स एक्सेस मान लेता हूँ ओके दिस इज द एक्स एक्सेस और यदि मैं इसको वाई एक्सेस मान लेता हूँ ओके okay? तो यहाँ पे आप देखिएगा तो जो एक्स एक्सेस है या मैं कहूँ एप्सा है बेसिकली दैट इज द दिस इज द डिस्चार्ज पोर्शन ओके और यदि मैं बात करूँ वाई एक्सेस की तो वाई एक्सेस में क्या लिखा हुआ था ऑर्डिनेट्स ऑन द लेफ्ट साइड इंडिकेट वॉट इंडिकेट द स्लोप अच्छा एक और पॉइंट दे रखा था ऑर्डिनेट्स ऑन द राइट साइड इट इंडिकेट्स वॉट इट इंडिकेट्स दिस डी एंड दिस वी नॉट डी क्या है दिस इज द वाटर डेप्थ ओके वी नॉट क्या है दिस इज द वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ द फ्लो तो ये तीन कॉम्पोनेंट तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सीधे सीधे नॉ लेट मूव ऑन टू द प्रीवियस स्लाइड अगेन वहां पे देखिए क्या दे रखा है द फर्स्ट पॉइंट हेयर दैट इज

क्या क्या पैरामीटर्स बेसिकली यूज किए गए हैं अब हम ये देखते हैं डिस्चार्ज लाइंस और बेडविथ लाइंस। आइए हम फिर से उस डायग्राम को देखें दैट इज द गैरेट्स डायग्राम तो जो आपको ये लाइन्स दिख रही हैं लाइक दिस आई एम प्लॉटिंग इट हेयर लाइन्स हैं ये आर डायग्राम दिज आर दिज लाइन्स विच आर शोइंग यू द द दिस दिस ओके सॉरी आर डिस्चार्ज लाइन्स एंड ये तो आपकी डिस्चार्ज लाइन हो गई कैसे डिस्चार्ज लाइन है कोई भी डिस्चार्ज आपको दे रखा है लेट से पॉइंट वन टू फाइव मीटर क्यूब परसेंट दे रखा है लेकिन ईजिली ट्रैक दिस लाइन और इसी लाइन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पकड़ेंगे अगर मैं कहता हूँ कि पॉइंट जीरो थ्री जीरो मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज है लेकिन ईजली ट्रैक दिस लाइन एंड यू कैन ईजली मूव ऑन टू दिस पोर्शन तो ये यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि है डिस्चार्ज लाइन्स अच्छा एक चीज तो ये हो गई अच्छा यहां पे आपको एक और लाइन देखने को मिलेगी दैट इज द दिस डॉटेड लाइन एंड दिस डॉटेड पोर्शन इज व्हाट इट इज द बेड विथ लाइन ओके जो इस तरीके से आपको बेड विथ देखने को मिल रही है तो यू कैन सी इट इज पॉइंट सेवन फाइव वन वन पॉइंट फाइव जीरो टू टू पॉइंट फाइव जीरो एंड सो ऑन ये आपकी बेडविथ हो गई ओके इट इज इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि फोर्टीन मीटर्स तक आपको बेडविथ देखने को मिल रही है अच्छा ये तो एक डायग्राम है ये तो बेसिक है कि इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं इस डायग्राम में वो आपने देखा अब हम और कुछ बातें करते हैं जो कैरेट डायग्राम ये आपको यहाँ पर इस समय पिक्चर में दिख रहा है इट इज़ फॉर द डिस्चार्ज विच इज़ बिटवीन पॉइंट जीरो टू टू फाइव क्यूमिक्स एंड द साइड स्लोप ऑफ पॉइंट फाइव हॉर्जोंटल टू वन वर्टिकल एंड एन इज इक्वल टू पॉइंट जीरो टू टू फाइव अच्छा यदि एन की वैल्यू में बदलाव आएगा तब आप क्या करेंगे तब आप इस नोमोग्राम का इस्तेमाल करेंगे ओके दिस इज द नोमोग्राम विच इज़ गिवन टू यू सो डेट ये कैन इजिली यूज़ द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ तो जो भी मान लीजिए अगर पॉइंट जीरो जीरो है तो आपको कुछ अलग वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी पॉइंट टू सेवन फाइव है तो कुछ अलग यूज़ करनी पड़ेगी इसको जब हम डिज़ाइन प्रोसीजर देखेंगे गैरेट डायग्राम का वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इसको आप कैसे शिफ्ट कर सकते हैं ओके okay? सो so, ये एक स्पेसिफिक हो गया अगर आपको मैं दूसरा डायग्राम दिखाऊँ तो दिस इज़ फॉर द डिस्चार्ज बिटवीन थ्री टू फिफ्टी सिक्स क्यूमेक्स एंड द साइड स्लोप पॉइंट फाइव हॉरिजोंटल टू वन वर्टिकल एंड द एन इज़ वॉट पॉइंट जीरो टू टू फाइव फिर यहाँ पर वही बात यदि एन की वैल्यू कुछ और चेंज होती है तो पॉइंट ज़ीरो टू फाइव होती है तो आप इसको कुछ चीज़ें शिफ्ट करेंगे जो कि हम डिज़ाइनिंग में बात करेंगे बाकी सब चीज़ें सेम है ऑर्डिनेट ऑन दिस पोर्शन हेयर यू कैन सी इट इज द स्लोप जो राइट साइड पर है इधर पर आप देखिए तो यहाँ पर क्रिटिकल कैपॉसिटी हो गई एंड द डेप्थ इज देय अच्छा एफ्सिसा में क्या है एफ्सिसा पे इट इज द डिस्चार्ज विच इज बिंग मेन्शन हेयर तो ये कुछ टर्म्स हो गए जो आपने यहाँ पे देखे और गैरेक्ट डायग्राम को अब कैसे पढ़ते हैं इस डायग्राम को अब उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे जो यहाँ पे डॉटेड लाइन्स हैं दिज डो नोट वॉट बेड विथ लाइन्स एंड जो लाइन्स यहां से इस डिस्चार्ज से गई हैं ऊपर की तरफ दीज लाइन्स आर वॉट दी आर दी आर द डिस्चार्ज लाइन्स तो अब हम बात करते हैं गैरेज डायग्राम में डिजाइनिंग प्रोसीजर का लेट लेटस टेक वन पॉइंट ईच एंड एंडन वील मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल पार्ट ओके सो अंडरस्टैंड हाउ इट इज डन फर्स्ट पॉइंट इज दिस यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्चार्ज फॉर विच द चैनल इज टू बी डिजाइंड इट इज डन यूजिंग शेड्यूल ऑफ एरिया स्टैटिस्टिक्स तो कितने डिस्चार्ज के लिए मान लीजिए कि अगर मैं कहता हूँ कि चैनल आपको डिजाइन करना है लेट से दस मीटर क्यूब पर सेकेंड के लिए या फिर मैं कहता हूँ कि पॉइंट जीरो फाइव मीटर क्यूब पर सेकेंड के लिए तो गो टू द रिस्पेक्टिव गैरट्स डायग्राम मतलब कि अगर मैं कहता हूं कि आपको फाइव मीटर क्यूब के लिए डिजाइन करना है तो गो ओके और आप इस डिस्चार्ज लाइन को पकड़ के चले चलिए कहां चले चलिए उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे सेकेंड पॉइंट इज फाइंड द स्लोप ऑफ द चैनल फ्रॉम इट्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन तो आपने लॉन्गटूडनल सेक्शन देखा और आपने बताया कि इतना स्लोप है लेट्स से थ्री थाउजेंड ओके तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए इतने सेंटीमीटर पर किलोमीटर चेंज आ रहा है डेट इज द स्लोप अच्छा आपको एक बार स्लोप मिल गया अगर मैं लेट से एग्जाम्पल लेता हूं दिस वन ईयर ओके तो ये आपका डिस्चार्ज है लेट से द डिस्चार्ज द क्वेश्चन इज पॉइंट वन टू फाइव मीटर क्यूब पर सेकेंड और क्यूमेक्स तो इसके करस्पॉन्डिंग एक चीज और आपको दे रखी है कि स्लोप कितना है लेट्स से स्लोप इज फोर्टी लेट से द स्लोप इज फोर्टी सेंटीमीटर पर किलोमीटर तो ये तो आपको दे रखा है यहां पे। तो दो पॉइंट यहां पे आपके कवर हो गए डिजाइनिंग के फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट सी है फॉलो द डिस्चार्ज लाइन एंड फाइंड आउट इट इंटरसेक्शन विद द हॉर्जोटल लाइन फ्रॉम द स्लोप ओके सो यू फॉलो द डिस्चार्ज लाइन जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था अभी कि हाउ यू टू हा यू हैव टू फॉलो इट एंड फाइंड आउट इंटरसेक्शन विदार्जोटल लाइन फ्रॉम द स्लोप तो मैंने आपसे क्या कहा कि फॉलो द डिस्चार्ज लाइन विच यू हैव यू कैन सी हेयर एंड इट इज ऑलरेडी बींग फॉलोड हेयर नाउ यू कैन सी अब हम यहाँ पे इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये कहाँ पर मीट कर रहे हैं एट दिस पॉइंट नाउ द थर्ड पॉइंट इज कंप्लीट हेयर वाट इज दिस थर्ड पॉइंट फॉलो द डिस्चार्ज लाइन एंड फाइंड आउट इट्स इंटरसेक्शन विद द हॉर्जोंटल लाइन फ्रॉम द स्लोप इंटरपोलेशन मे बी डन इफ नीडेड टू लोकेट द डिस्चार्ज लाइन मार्क द इंटरसेक्शन पॉइंट पी तो चलिए हम इंटरसेक्शन पॉइंट पी यहाँ पे मार्क कर देते हैं तो हमारे पास तीन पॉइंट यहाँ पे हो गए अब हम हाँ आगे बात करते हैं डेट इज द फोर्थ पॉइंट ड्रॉ द वर्टिकल लाइन थ्रू द पॉइंट पी दिस विल कट सबरल बेड विद कर्व्स ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स अ डेप्थ एंड वी नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑर्डिनेट्स अब इस पॉइंट को समझिएगा इस पॉइंट पी से आपको एक वर्टिकल लाइन बनानी है ठीक है चलो वर्टिकल लाइन बना देते हैं यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन हो गई ओके okay? अब ये क्या होगा ये कई सारे बेड विथ कर्व को काट रही होगी बेड विथ कर्स कौन सी हैं ये आप ये देख सकते हैं जितने भी डॉटेड लाइंस हैं जितने भी डॉटेड कर्व्स हैं सॉरी लाइंस नहीं जितने भी कर्व्स हैं दीज आर वॉट बेड विथ कर्व्स जहाँ पे भी ये कट कर रहा होगा उसको हम यहाँ पे लेते हैं पहला जो कर्व है यहाँ पे कट कर रहा है दूसरा यहां पे कट कर रहा है थर्ड इज दिस फोर्थ इज दिस ओके तो यहां जहां पे लेट से ये हमने ए पॉइंट लिया दिस इज बी पॉइंट सी पॉइंट एंड देन डी पॉइंट तो चार पॉइंट ऐसे हैं जहां पे ये वर्टिकल लाइन जो हमने पी से ड्रॉप करी है वो बेड विड कर को काट रही है नो नेक्स्ट पॉइंट इज ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स अ डेप्थ एंड वी नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ ऑर्डिनेट ओके ये कैसे होगा बिल्कुल होगा ए पॉइंट से आप देखिए और आप इस पॉइंट पे इधर की तरफ चले जाइए आपको क्या मिल रहा है कि ये डेप्थ है और ये पॉइंट थ्री फोर फोर थ्री फाइव फोर मीटर पर सेकेंड इज़ द वेलोसिटी अच्छा बी पॉइंट पे भी तो कट कर रहा था अच्छा बी पॉइंट पे कट कर रहा था चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार तो ये कहीं यहाँ पर आएगा लेट से पॉइंट थ्री फाइव पर हो जाए सी पॉइंट है सी पॉइंट भी यहाँ पर आ रहा है कहाँ पर है लेट से ये पॉइंट थ्री जीरो पर हो जाए है ना पॉइंट थ्री जीरो डेप पर हो जाए एंड डी पॉइंट जो कट कर रहा है लेट से इट इज़ पॉइंट टू फाइव मीटर पे और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो आपको है यहां पे तो यहां पे आपका ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट और डी पॉइंट तो चार अलग अलग पॉइंट हो गए नाउ वॉट टू डू नाउ यू हैव टू चूज अ पेयर ऑफ बेडविथ डेप्थ एंड वी नॉट करस्पॉन्डिंग टू इंटरसेक्शन इन फोर्थ स्टेप अब आपके पास वहां पे चार पॉइंट आए थे अगर आप देखें तो वहां पे ए बी सी एंड डी चार पॉइंट आए थे किसको लोगे आप ये आपके लिए क्वेश्चन है अपॉन वी नॉट रेशियो सिक्स और सेवन पॉइंट अगर आप देखें तो कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शन एरिया करस्पॉन्डिंग टू द चैनल बेड विथ एंड द डेप्थ तो उसके अकॉर्डिंग आप क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट कर लीजिए वो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा कैलकुलेट द वेसिटी करस्पॉन्डिंग टू द एरिया दिस विल रिटर्निंग इट इन द नेक्स्ट क्लास ना कैलकुलेट दी वाई वी नॉट रेशियो ओके ये आप निकालेंगे यदि यह बराबर आता है वन के तो उसी के हिसाब से आप चैनल को डिज़ाइन कर देंगे और वही बेड विथ वही आप आ, जो डेप्थ है वाटर की उसको आप इंक्लूड कर लेंगे नो हैव टू रिपीट द प्रोसीजर फॉर अदर बेड विथ एंड डेप्थ ऑल्सो टिल द वैल्यू ऑफ बी बाई वी नॉट इज सेम एज गिवन फॉर द चैनल डिजाइन तो दिस इज द प्रोसीजर हमने कुछ चीज़ें थोड़ा फास्ट कवर करी इधर वी विल बी कवरिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास इन डिटेल थैंक यू फॉर टूडिंग